तो अब आ गए हम भैया अपनी लाइट चेक करने के लिए। ये मुझे नहीं पता, अब ये करण जी बताएंगे कि मेरी लाइटों में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ये मेरी है लो बीम, ये लो बीम का थ्रू है और ये मेरा हाई बीम के थ्रू। देखिए पीपीएफ की बात हो गई है भाई, और कल मैं अपनी गाड़ी दे रहा हूँ पीपीएफ के लिए। ये स्कॉर्पियो एन के अंदर जैसे कि आपको पता है कि पीछे कोई कैमरा प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक खास बात है, पीछे सेंसर दिए गए हैं और जब आप गाड़ी को बैक करते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है, सेंटीमीटर शो करता है कि कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस बाकी है। ये मुझे अच्छा लगा कि ये मालूम पड़ जाता है हाँ मेरे इसमें गैप है, और जब तक अगर आपका 10 सेंटीमीटर का भी गैप है तो आप गाड़ी को ईजिली बैक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन यह है कि फरवरी का महीना, लेकिन यह गर्मी काफ़ी हो गई है, आप देख लिए कितनी, मतलब कल तो गाड़ी का मुझे एसी ऑन करना पड़ गया था, इतनी गर्मी थी। और अभी मेरी गाड़ी चल चुकी है 5376, काफ़ी गाड़ी चला रहा हूँ मैं आजकल में, क्योंकि मेरे पास एक ही गाड़ी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास अब एक ही गाड़ी है, मैं एक ही गाड़ी को चला रहा हूँ, तो 5376 किलोमीटर यानी कि 5376 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। और गाड़ी को मैं बहुत चलाऊँगा, इतना चलाऊँगा कि मैं डीजल की गाड़ी जो 10 साल में इसका बेस्ट निकाल लूँ, क्योंकि डीजल की गाड़ियों का भी माइलेज कम है और पेट्रोल की तो आपको पता और भी कम है। तो देखूंगा बाकी, लेकिन यह है कि मैंने टैंक फुल कराया था तो अभी मेरी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली, लेकिन टैंक फुल कराने के लिए दोबारा मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि डीजल डलवा लीजिए, तो और चेक करेंगे कितनी इसकी जेन्युइन माइलेज है। लेकिन यह है कि डीजल की माइलेज भी मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है इसकी। डीजल की गाड़ी लेने का दिल्ली NCR में तभी फ़ायदा है जब इसको आप रोज़ चलाते हो, 100 किलोमीटर का रन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 50 किलोमीटर पर डे तो चलनी ही चाहिए, तो चलती है पूरे महीने में 1500 किलोमीटर और साल में जाके हो जाती है 18,000 किलोमीटर, और 10 सालों में आप इसको 1,80,000 किलोमीटर अगर आप चला लेते हैं तो गाड़ी की वैल्यू निकल जाती है। पेट्रोल और डीजल का जो डिफरेंस है ना वो आप रिकवर कर सकते हो। तो ध्यान रखना दिल्ली NCR या फिर जहाँ पर ये रूल है 10 और 15 साल वाला, भाई ये फ़ोन बड़े गलत टाइम पे आते हैं। दिल से दिल का रास्ता है, दिल की बात बोलता हूँ, दिल की बात समझता हूँ, वो ज़्यादा दुनियादारी मेरे को आती नहीं है, जो मेरे मन में आता है मैं शेयर कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ, अभी बताता हूँ आपको PPF का क्या सीन है, कैसे होती है और कौन सी ऑफर करते हैं, क्या प्राइस है। PPF की बात हो गई है भाई, और कल मैं अपनी गाड़ी दे रहा हूँ PPF के लिए। वैसे मेरा मूड था कि मैं ना कराऊँ PPF, लेकिन मेरे को जो प्राइस मिला है मैं आपसे शेयर करूँगा, बहुत ही बढ़िया आदमी मिल गया है। वो आदमी मिल गया है जैसे कि शोरूम पे आप कराने जाते हो, एक्चुअल में जो करते हैं लोग वो लोग मेरे टच में आ गए हैं, वो मेरे लिंक्स में आ गए हैं, अब उनसे मैं PPF कराऊँगा जिससे कि जो शोरूम वाला मार्जिन है 15-20-25 हज़ार रुपये का वो मेरा निकल जाएगा, और सेल्फ फिलिंग वाली कराऊँगा PPF। और मैंने चेक कर लिया काफ़ी अच्छी क्वालिटी की PPF है, तो कल कराते हैं गाड़ी को, देंगे PPF पे, आपसे शेयर करेंगे फ्रेंड्स, मज़ा आएगा। लेकिन मैंने करानी नहीं थी, फिर भी इसलिए करा रहा हूँ कि तो रीजनेबल प्राइस है, और आप लोगों ने भी करानी हो भाई तो आप भी देख लेना, मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, डायरेक्ट पार्टी है, डायरेक्ट घर पे कर देगा आपके आके, और अगर आपकी पार्किंग वार्किंग है तो और भी अच्छी बात है भैया। तो चलते हैं और कल दिखाते हैं आपको अपनी गाड़ी PPF होते हुए। शाम को लाइट का भी मुझे अलाइनमेंट ठीक करानी है, वो भी शेयर करूंगा आपसे। मैंने ये रियलाइज़ भी किया कि यार जो काले रंग की गाड़ी होती है ना, डस्ट ना इस पर इतनी ज़्यादा होती है सुबह सुबह, और जो कपड़ा साफ़ करता है ना गाड़ी वाला, जो साफ़ करने आता है सुबह, अब उसको मैं कब तक समझाऊँ यार, वो सोयल्स मार्क्स तो इसमें आ रहे हैं भाई आहिस्ता आहिस्ता, तो और कहीं ना कहीं ना, तो अब क्या है कि एक पन्नी चढ़वा लेता हूँ इस पर मैं, जिस पन्नी के कारण क्या होगा, रेड लाइट पर जो बैगअप बेचारे वो जो भीख मांगते हैं ना बैगर्स होते हैं, वो भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, वहाँ भी निशान लगा जाते हैं यार, तो कोई ना स्क्रैच, छोटे मोटे स्क्रैचेस तो बच जाएंगे भैया, काटे वाटे जो भी होते हैं, बड़ा एक्सीडेंट से तो नहीं बचेगा, लेकिन आई है कि भाई मैं PPF फाइनली करा रहा हूँ, और आप डालना कमेंट बॉक्स में। तो ये डिसाइड हो गया, प्राइस वगैरह जल्दी बताऊँगा आपको मैं, क्योंकि गाड़ी से मुझे मोहब्बत है, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता भाई खर्चे तो गाड़ी मांगती है, करा लेते हैं एक बार। सीट कवर के बारे में मैंने सोचा नहीं कभी, लेकिन PPF तो कराना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक गाड़ी है, डेली कोई ना कोई स्क्रैच भाई गाड़ी पे दिख ही जाता है। तो अब मैं चल दिया हूँ, गाना मैं एक बार पॉज कर देता हूँ। तो अब मैं चल दिया हूँ अपनी जो मेरी गाड़ी की जो हेडलैम्प्स हैं लो बीम और हाई बीम, मुझे लगता है थोड़ा सा आउट है वो, और कल जो मैंने देखा था उस भाई पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ लगी मेरे को, तो मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी का अभी अलाइनमेंट को ठीक कराने, गाड़ी का अलाइनमेंट नहीं, लाइट्स का अलाइनमेंट, क्योंकि एक लाइट लेफ्ट की तरफ भागती है, तो चल के देखते हैं कि क्या अलाइनमेंट सही में ख़राब है
या ऑटो ऑटो बोट्स के नाम से जो मैं गया था और भाई ने बदलवाया, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया। तो नंबर तो वैसे मेंशन कर दिया उसका मैंने, फिर भी आप दे लेना, अगर दिल्ली नहीं जाना है आपको, गुड़गांव से काम कराना है तो दे लेना भैया, सर्वे कर लेना अपना प्राइस वगैरह क्या हो, और चलो चलते हैं। और अपनी गाड़ी का जो हेडलैम्प है, मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा मेरी लेफ्ट में ज़्यादा रोशनी है और राइट में कम है, अभी मालूम पड़ जाएगा भाई, आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं, और PPF के बारे में बता ही दिया मैंने आपको। भाई ऐसा बंदा है जो एक्चुअल में करने वाला बंदा है, आपके घर पे आके कर देगा, आपके पास पार्किंग होनी चाहिए, बंदा लाइट वाइट भी ले आता, बाकी तो कल बता दूंगा, कराना नहीं कराना आपकी मर्जी है भाई। ये है ऑटो बोट्स के नाम से, देखता हूँ कि भैया जगह, गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी है, देखता हूँ कि जगह मिलेगी नहीं। ऑटो बोट्स 1977 है ये, सेक्टर 45। तो अब आ गए हम भैया अपनी लाइट चेक करने के लिए, ये मुझे नहीं पता, अब ये करण जी बताएंगे कि मेरी लाइटों में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत है इसमें, तो ये सामने उन्होंने लगा दिया है, और वही मशीन जो मैंने आपसे कही थी चेक करने के लिए लगा रहे हैं। शाम के टाइम आया हूँ मैं, ताकि मुझे प्रॉपर लाइटों के बारे में मालूम पड़ जाए। अभी लो बीम मैंने ऑन की हुई है, वहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आई हुई है, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही। ये हाई बीम हो गई है मेरी, मेरी लेफ्ट वाली थोड़ी मुझे लगता बाहर गई हुई है, इस तरह वाली जो नंबर प्लेट दिख रही है ना आपको, रोशनी तो काफ़ी है लेकिन ये दाएं बाएं भाग रही है, और लग रहा है कि मुझे कुछ इसमें गड़बड़ है। करण जी है ना कुछ प्रॉब्लम है ना, अंदर की तरफ? हाँ हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो रोशनी ज़्यादा है, ये कहीं और भागती है। तो भाई वो ठीक कह रहे हैं, तो वो रोशनी बिल्कुल सही बात है, वो वाली रोशनी ना, ये जो आपके राइट हैंड पे है ये इधर जा रही है और वो इधर आ रही है। तो मैं जब हाईवे पे गया था, गिर रात में चलाई थी गाड़ी मैंने, थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही थी, पर मुझे इतना समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा जब ये मैंने इनका इंस्ट्रूमेंट देखा ना कल, यार इससे चेक कराते हैं। तो अभी देखता हूँ कि ये लाइन है, देखो अब आपको दिख रही हो शायद, ये कोई ये लाइन लगा रखी है यहाँ पे ऐसे करके, जिससे कि कोई फोकस वगैरह इसका चेक होता होगा। तो जब भी आप भी अपने ये काम कराएं लाइट्स का, तो प्लीज़ ध्यान रखना ये फोकस जो प्रॉपर इसका बाहर पढ़ना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम लगा होना चाहिए जिससे कि आप इसको चेक कर सको। मुझे ये अच्छा लगा कल देख के, बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में कि ये लाइट्स मुझे लगता है कुछ हैं, दाएं बाएं हैं कुछ। ऐसा आ गया यहाँ पे, बहुत प्यारा सा आ गया है। बाकी मैं करण जी से बता दूंगा कि वो क्या कर रहे हैं, कोई टेक्निकल चीज़ मेरे को नहीं पता, लेकिन वो कुछ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पॉइंट है वहाँ पे। पहले जो सुजुकी लिखा है ना, इसुजू लिखा है, जो सुजू इसुजू पर लाइट कम थी, ज़्यादा लाइट थी DL8C पे, अब शायद थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ है, अब ये लाइट इधर आ गई है शायद, क्योंकि मेरा फोकस लेफ्ट की तरफ आ रहा था। ये अब हाई ओके है सर, ये मेरी अभी हाई है, ये लो करना सर, ये मेरी लो बीम है, भी देख लो भी, तो ये बिल्कुल हमारी नीचे की तरफ आ रही है। अब सर हाई करना एक बार, और ये हमारी होगी हाई, डन डन डन। तो अब ये प्रॉपर तरीके से हमारी लाइट आएगी, वेरी गुड, वेरी, लग रहा है कि हाँ अभी थोड़ी सी उधर शिफ्ट हो गई है, पहले ये ज़्यादा ये एरिया कवर कर रही थी वाला, ये कवर कर रही थी जी, अब वो वहाँ पे आ गया है ना, अब ये ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कल जो तुम आपने देखी थी जो लगाई थी भैया ऑटो बोर्ड वाले, वो 75+75 थी भैया, रोशनी ठीक है मेरी, कह रहे हैं
अच्छी है, 60 प्लस 60 है, अच्छी है रोशनी बहुत, ठीक है ना, काफी अच्छी। बाकी एक बार रोड पे भी देख लेंगे। हाँ, तो आपने क्या किया इसके अंदर, ये क्या है बताओगे करण जी मुझे? ये सर लेजर अलाइनमेंट टूल है हेडलाइट के लिए। इसमें हमें क्या है कि रेफरेंस पॉइंट एक्यूरेट मिल जाता है, प्रिसाइज हमें रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि हमें लेफ्ट और राइट किस तरफ एडजस्ट करनी है लो बीम और हाई बीम। ओके, तो जैसे अब ये आप देख रहे हैं कि सेंटर पॉइंट है जहाँ ये बाइसेक्ट कर रही है मैंने, तो देखिए पहले जो था इसका थोड़ा सा ज़्यादा आउटर की तरफ था फोकस, जो था मेन फोकस। यस यस यस, तो अब हमने इसको रेफरेंस पॉइंट यूज़ करके उसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर दिया टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो अब आपको जो रोड पे एक्यूरेट जो आनी चाहिए वहाँ पे मिलेगी। हाँ नहीं, मुझे थोड़ी कमी महसूस हो रही थी, ये कल मेरा ज्ञान चक्षु खुले हैं कि यार मैंने कहा भाई मेरा भी करवा दो, तो मैं आज आ गया भाई। तो मैंने नंबर तो मेंशन किया हुआ करण जी का, ये सेक्टर 45 है, 45 हाँ, ऑटो बोर्ड्स के नाम से, नंबर मैं दोबारा मेंशन कर दूंगा। अगर आपको भी गाड़ी में लाइट लगवानी है तो भाई का लाइट का काम है, और म्यूजिक का, हाँ जी, कार ऑडियो भाई, महंगे से महंगा म्यूजिक सिस्टम है। मेरे पास तो बजट में नहीं था, 50,000 से स्टार्ट हो जाता है, लाख दो लाख तीन लाख जो आपने लगवाना है। मैंने सुना है साउंड की गाड़ी में, तो बड़ा मजा आया सर, थैंक यू वेरी। अभी हम आगे हैं, एक ऐसी जगह पे आगे हैं, देख लीजिए कितना डार्क है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे इस लाइट से आगे ले लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि थ्रो में मेरे क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे कि यहाँ पे अभी पूरा का पूरा अंधेरा आ गया, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, फॉग लैंप चल रहे हैं मेरे, और ये देखिए ये मेरी है लो बीम, ये लो बीम का थ्रो है, और ये मेरा हाई बीम के थ्रू, देखिए कितनी रोशनी है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल भी इक्वल है रोशनी है, लेफ्ट में और राइट में प्रॉपर मेरी रोशनी जा रही है। क्यों करण जी? बिल्कुल जी, है ना, पहले मुझे आ रहा था ये लेफ्ट में बंदा दिख रहा था मेरे को, ये लेफ्ट वाले पेड़ दिख रहे थे मेरे को, ये लेफ्ट वाले ना, और राइट वाले मेरे को दिखते नहीं थे। तो ये 60 प्लस 60 है, और आप वैसे 75 प्लस 75 भी लगा सकते हैं, बट इससे ऊपर मत जाना, उससे ऊपर में, क्यों करण जी क्या बोलते हो आप, गाड़ी लोड मांगती है क्या? 75 प्लस 75 मोर देन सफिशिएंट रहेगा। डन सर, थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते रहेंगे आपसे। बिल्कुल सर, राइट है, अच्छा लगा आपसे मिलके। बिल्कुल सर, सेम हियर, सही में रोशनी का थ्रो काफी अच्छा अब हो गया है। चलते हैं फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा व्लॉग ये आपको पसंद आया होगा। अब मैंने भाई बहुत जल्दी पीपीएफ वाला वीडियो भी जल्दी आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग, जय हिंद जय भारत। भाई मेजरमेंट कर रहे हैं कि अब ये पीपीएफ काटेंगे, पहले सफाई करेंगे, दो तीन बार पूरी मिट्टी निकाली जाएगी,